YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस जफर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम और देख सकते हैं मैं थोड़ी रेडी भी हो गई हूँ और मैं भी रेडी हूँ समझ लो, बिकॉज हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट और ऑलमोस्ट मैंने पूरी तैयारी कर ली है। काफी दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, और बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। हाँ, वरना ब्लॉग शूट तो हो ही नहीं पाता है। सिलू की तबीयत काफी खराब चल रही थी, उसकी वजह से हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे। क्या है, मैं सिलू को देखूँ, अपना वर्क देखूँ या ब्लॉग शूट करूँ, इस वजह से मैं तो इस टाइप के मोमेंट में ब्लॉग वगैरह शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मोबाइल उठाने का भी मन नहीं करता। तो थोड़ी बहुत मैं क्लिप वगैरह शूट करती रहती थी, बट आज हम लोगों ने सोचा कि साथ में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज घर पे आने वाले हैं गेस्ट काफी दिनों बाद। तो घर पे कौन आने वाला है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी और मिलवाऊंगी भी, उनके लिए काफी तैयारी की है सिलो। चलो बता ही देते हैं, सोनू जी की सिस्टर आने वाली है, मतलब मेरी ननंद और उनके हस्बैंड और उनका छोटे से बेबी। तो काफी दिनों के बाद घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं। अभी क्या है, हमारे घर में शादी होने वाली है मेरे छोटे भाई की, उस वजह से घर में काफी घर पे शादी का माहौल है और आपको देखना, आपको शादी पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे और शादी की तैयारियां चल रही है, सब बहुत बिजी बिजी काफी एंजॉय कर रहे हैं, अभी फुल एंजॉय कर रहे हैं, अभी खरीदी चल रही है, शॉपिंग वगैरह सभी की। आपको शादी पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी हम दिखाएंगे और चलिए फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या तैयारी कर ली हूँ। यहाँ पे है दाल फ्राई, गोश्त, चिकन वगैरह और यहाँ पे बना हुआ है पुलाव, तो सभी कुछ मैंने बना के रेडी कर लिया है। एंड यहाँ पे है रायता, ये सोनू जी ने बनाया है, तो सब कुछ बन के रेडी है और नाश्ते वगैरह की भी तैयारी हो चुकी है, बस हम वेट कर रहे हैं मेहमान। सोनू जी क्या कर रहे हैं, सोनू जी देख सकते हो, सोनू जी पूरे शादी के कार्ड वगैरह, मैं अभी कार्ड कर रहा हूँ, सारे अपने फ्रेंड लोग के नाम लिख रहा हूँ और कार्ड वगैरह जमा रहा है सबको, जिन्हें जिन्हें मतलब इनवाइट करना है, सबका नेम वगैरह आप देख सकते हैं। और जब मेहमान आने वाले होते हैं तो घर के लेडीज़ों की बैंड बजी होती है। सुबह से मैं वर्क पे लगी हुई हूँ, मेरे सारे काम भी हो चुके, अब बस मेहमान का वेट है, मतलब मेरी ननन का कब आएगी, मैं वेट कर रही हूँ उनका, बहुत दिनों के बाद आ रही है तो बहुत एक्साइटमेंट भी और बहुत खुशी भी हो रही कि उनसे मिलने का। काफ़ी दिनों बाद घर में मेहमान आ रहे हैं। हाँ, और अभी आएगी तो मैं आपसे मिलवाती हूँ। बहुत बिजी बिजी वाला डे चल रहा है और मेरी शॉपिंग भी पूरी बाकी है, हस्बैंड जी ने अभी मुझे कोई शॉपिंग नहीं करा, मतलब मेरे ड्रेस वगैरह बाकी है, अभी हमारी शॉपिंग बाकी है, तो सिलू की भी शॉपिंग बाकी है, पूरी शॉपिंग एक साथ बस अभी हम काफी इंजॉय कर रहे हैं और अब अभी हम बहुत बिजी बिजी वाला डे चल रहा है, फुल सेलिब्रेट करने वाले हैं शादी को हम लोग। बहुत घर में शादी है तो कार्ड वगैरह भी पूरे छप चुके हैं, बस इसे लोगों में बांटना है। अरे हस्बैंड जी मैं भी बिजी हूँ, सारे फ्रेंड के आजकल तो बहुत बिजी रहते हैं, क्या करोगे, सारे फ्रेंड के नाम वगैरह लिखने हैं मुझे, सबको बांटने हैं। आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ, ये है मेरे देवर जी की शादी का कार्ड, कहीं पे मोबाइल नंबर ना लिखाओ। इसी को कोई लेना देना नहीं रहता ना, जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम लड़कियाँ ही इतनी बिजी हो जाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं रहता ना, सारा काम तो मुझे ही करना रहता है, क्या करोगे, घर की औरतों का काम है तो मर्द क्या कर सकते। बट गाइस ये आज मेरा थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं और आज किए भी, मुझसे जितना होता है मैं कर देता हूँ। बट सारी तैयारी हमारा ऐसा रहता है ना कि कुछ तैयारियाँ छूट ना जाए, ये ना आ जाए, ये ना हो, वो ना हो, जब तक गेस्ट ना आ जाए तब तक टेंशन लगा ही रहता है कि मेरे ये काम ना हो। आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के मेहमान से, ये देख सकते हो मेरी प्यारी सी ननन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। और ये मेरी प्यारी सी ननन और ये मेरी कितनी ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, ये मेरी भाभी हैं। आप मेरी वीडियो वगैरह बहुत दिन, हाँ वीडियो देखते। तो वैसे यहाँ पे गेस्ट आने के बाद मैंने यहाँ पे नाश्ता वगैरह लगा दिया था, आप देख सकते हो नाश्ते की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, एंड फिर हम सब लोगों ने बैठ के नाश्ते वगैरह किया और साथ में हंसी मजाक भी चल रही थी। और ये जो मेरी ननंद आई है ये मेरी थर्ड नंबर वाली ननंद है, वैसे मेरी चार ननंद है, तो काफ़ी दिनों के बाद इनका आना हुआ और ये इनका बेटा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर ये मेरी ननंद के हस्बैंड जी हैं जो सोनू जी से बातें कर रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद इनका आना हुआ था यहाँ हमारे यहाँ का, और बस वही सब बातें वगैरह चल रही थी। नन गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अब डिनर करने वाले हैं और मैंने सारा खाना डिशेस पे निकाल दिया है और आप देख सकते हो यम्मी यम्मी खाना यहाँ पे है, मैंने बनाया था पुलाव, चिकन और रायता एंड दाल फ्राई और साथ में था सैलेड। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, फिर हम सब मिलकर डिनर किए। तो आज है नेक्स्ट डे और कल मेहमान वगैरह जाने के बाद बहुत सारे काम हो गए थे किचन्स में, मतलब परेड ही हो गई थी मेरी तो सोनू जी हंस रहे हैं।
तो सारे काम करने के बाद काफ़ी लेट हो चुका था मैं, और ब्लॉग वगैरह शूट नहीं की। देन आज फिर नेक्स्ट डे है और इस वजह से सीलू काफ़ी बिजी थी कल। हाँ, तो नाइट में मैं और ब्लॉग वगैरह शूट नहीं की, सीधा आज है नेक्स्ट डे और अभी इवनिंग का टाइम है तो सारे काम वगैरह हो चुके हैं और मैं सोची इस ब्लॉग का एंड भी नहीं की हूँ। और आज मैंने अब डिनर वगैरह भी मेरा बन चुका है। डिनर में आज मैंने बनाया था, मतलब मॉर्निंग में बनाई थी कढ़ी, सोनू जी का फेवरेट है, काफ़ी दिनों से इनका डिमांड था मेरे लिए कढ़ी बनाना, तो कढ़ी चावल बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं डिनर वगैरह करने और मैं सोच यहाँ पे मॉर्निंग से आज पार्सल पे पार्सल आए जा रहे हैं और अभी तक मैंने किसी मतलब किसी को भी अनबॉक्सिंग नहीं किया, सारे पार्सल ऐसे ही रखे हुए हैं और इसे मैं नेक्स्ट व्लॉग पे अनबॉक्सिंग करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या मंगाई हूँ। अभी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग ही चल रही है पूरी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कि इसमें सब में क्या क्या है और मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। और इसमें कुछ ये पर्पल के हैं और बाकी सब फ्लिपकार्ट से आया हुआ है और अभी और भी पार्सल आने बाकी है, पूरे आ जाने दो फिर आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं। और अभी मैं अपने लिए कुछ मतलब ऑनलाइन सामान वगैरह मंगाई हूँ, शादी घर पे शादी होने वाले हैं तो सारे सामान मैं ऑर्डर कर रही हूँ। देख सकते हो इधर सारे सामान आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से, पर्पल से, बट अभी तक मैंने किसी को भी अनबॉक्सिंग नहीं किया बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप मुझे चेक करना है कि सारे सामान अच्छे हैं या नहीं, देन फिर वैसे ये सब मतलब इसको मैं अनबॉक्सिंग आपको नेक्स्ट व्लॉग में करके दिखाऊंगी, वैसे ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो अभी तक तो मैंने भी नहीं खोला है, देख सकते हो पूरा पैक है, सारे पैक है, ये भी पूरा पैक और ये भी पूरा पैक। तो ज़बरदस्त वाली कोल्ड बिकॉज, और अभी थोड़े से हाँ ये दवाई वगैरह ले लिए हैं, थोड़ा आराम है पहले से, बट मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, अभी रेस्ट कर रहे हैं। और फ्रिज से निकाल के केला खाएंगे, दही खाएंगे, तो कोल्ड कहाँ पीछा छोड़ने वाला है इनका। मेरी काफी तबीयत खराब है गाइस, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर। हाँ, और सोनू जी का मतलब तबीयत खराब होता है फिर ब्लॉग शूट नहीं हो पाता कभी, थोड़ा कुछ मतलब कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब था, फिर सोनू जी का अभी कोल्ड हो रखा है, ब्लॉग तो बन ही नहीं पा रहा है, फिर भी हम थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। देख सकते हो इनको अभी रेस्ट कर रहे हैं, ये आराम फरमा रहा हूँ मैं अभी, दवाई वगैरह तो खा ली है ना। जी बिल्कुल। तो चलिए गाइस फिर इस ब्लॉग का यहाँ पे इन करते हैं। अगर आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है तो, और इस तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।